नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमबीयू में कुलपति आवास के सामने संविदा कर्मियों ने दिया धरना। सेनेटर बोले, नहीं चलने देंगे कुलपति की मनमानी। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत स्कूल में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने बच्चों को किया पुरस्कृत। एथलेटिक्स कार्यालय में नगर आयुक्त ने जड़ा ताला। खिलाड़ियों और समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। शहर में बढ़ती जा रही पशु चोरी की घटना। बकरी चुरा कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई। और बांका एसपी ने थाने का किया निरीक्षण। अनुसंधान और कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने करीब 65 संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार को लेकर नियम कानून का खेल खेल रहा है, जबकि 60 कर्मियों के सेवा विस्तार में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को कोई परेशानी नहीं है। कुलपति बार बार कह रहे हैं कि वर्ष 2013 तक बहाल हुए संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार की जाएगी, लेकिन साल 2014 से जिन कर्मियों की नियुक्ति हुई है उनकी सेवा विस्तार नहीं होगी, जिसको लेकर 65 संविदा कर्मी पिछले 3 महीने से रूप से परेशान है। इन सब के बीच भागलपुर टीएनबी कॉलेज ने 2 दिन पूर्व अपने 13 कर्मियों की संविदा अवधि बढ़ा दी है, जिस कारण टीएमबीयू के संविदा कर्मियों के बीच यह बहस और तेज हो गई है कि जब टीएनबी कॉलेज में कर्मियों की संविदा अवधि बढ़ा दी गई है तो विश्वविद्यालय उन्हें सेवा विस्तार क्यों नहीं दे रहा है। वही अपनी मांगों के समर्थन में लगभग 5 दर्जन संविदा कर्मी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में शुक्रवार को जुटे और काफी देर तक वीसी के कार्यालय आने का इंतजार किया। इसके बाद जब कुलपति प्रशासनिक भवन नहीं आए तब जाकर कर्मी उनके आवास पर मिलने गए, लेकिन यहां संविदा कर्मियों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित कर्मी कुलपति आवास के बाहर धरना पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। काफी देर गहमा गहमी के बाद 5 कर्मियों से कुलपति मिलने को राजी हुए। वही कुलपति से जब शिष्टमंडल ने सभी संविदा कर्मचारियों की संविदा नवीनीकरण करने की बात कही तो कुलपति आग बबूला हो गए। कुलपति ने कहा कि हम आप लोगों को टर्मिनेट कर देंगे, जिसके बाद कर्मचारी बाहर आ गए और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। संविदा कर्मियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 2013 तक या इससे पहले बहाल जिन कर्मियों को सेवा विस्तार देना चाह रहा है उनकी नियुक्ति का पत्र सार्वजनिक करे, साथ ही वर्ष 2014 से बहाल हुए संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं करने वाला पत्र भी दिखाए। जानकारियों की माने तो टीएनबी कॉलेज में जिन कर्मियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई है वैसे भी पहली बार 2014 या इसके पहले बहाल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया कि टीएमयू के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि साल 2014 के बाद बहाल संविदा कर्मियों को नहीं रखना है। कर्मियों ने कहा कि विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इधर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मी के मामले में सीनेट सह वित्त कमेटी के सदस्य मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फर अहमद ने कहा कि वह नौकरी से हटाए जा रहे 65 कर्मियों के साथ है। सीनेट सदस्य ने संविदा कर्मियों की मांग का समर्थन करते हुए राजभवन को पत्र लिखने और विश्वविद्यालय में आंदोलन करने की बात कही। मुजफ्फर अहमद ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि टीएमबीयू में किसी भी अधिकारी की मनमानी या गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। वर्षों से विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने पर वित्त कमेटी के सदस्य काफी उग्र दिखे। उन्होंने 65 कर्मियों के संविदा विस्तार में कुलपति द्वारा फंसाए जा रहे पेच पर नाराजगी जताई। मुजफ्फर ने बताया कि सीनेट की वार्षिक बैठक में भी इन कर्मियों का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर कुलपति ने सेवा विस्तार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक ही विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों के साथ दो तरह की नीति गलत है। हमें जानकारी मिली है कि कुलपति महोदय ने 14 के बाद के संविदा कर्मी को सेवा विस्तार नहीं दिया है और ये कहते हैं कि हमें आदेश नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे जब 13 तक संविदा कर्मी का सेवा विस्तार किया गया है तो उसका पत्र दिखा दें, और 14 के बाद उनको नहीं करना है वो भी पत्र दिखा दें, चाहे वो राज्य सरकार ने कोई आदेश दिया हो
चाहे राजभवन ने कोई आदेश दिया हो उसका पत्र दिखा दें, उसको प्रकाशित कर दें मीडिया में कि ये आदेश आया है और हम इन लोगों का सेवा विस्तार नहीं करेंगे 14 के बाद। ये मनमानी ये नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। सेवा जो संविदा कर्मी है लगातार 10 वर्षों से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनका पीएफ तक कट रहा है, विश्वविद्यालय में उनकी राशि जमा है, अचानक ये बोल देना कि आपको हम आपका हम सेवा विस्तार नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अन्याय है, ये गुंडागर्दी है। इसके लिए हम जो है ये हम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीनेट की बैठक में हमने आवाज़ उठाया था कि 13 से लेकर 13 वाला भी और 14 वाला भी सभी का सेवा विस्तार होना चाहिए, और कुलपति महोदय ने कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है, हो जाएगा। लेकिन अचानक आज मालूम होता है कि 13 का हो गया है और 13 के बाद जो 14 वाला है सेवा संविदा कर्मी लगभग 65 से 70 लोग हैं, उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ है। ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत दुखद है। वही लोग काम करते हैं विश्वविद्यालय में, पूरी तरह से जो काम करते हैं वो संविदा कर्मी ही करते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम इसके विरुद्ध में हैं। हम राजभवन को पत्र लिखेंगे और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन ये इनके साथ अन्याय हुआ है, हो रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम राजभवन तक इसकी बात रखेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और संविदा कर्मी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर लड़ने को तैयार हैं ये विश्वविद्यालय से। अगर गिरजा साहब उनके साथ नाइंसाफी होगा तो हम भी धरने में बैठेंगे। हम उनको न्याय दिलाने के लिए हम जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे इसके लिए। वही नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति ने बताया कि उनके समय में भी संविदा कर्मियों के सेवा विस्तार को लेकर कुछ अधिकारी और कर्मी अपना हित साधने के लिए उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसकी खोजबीन की तो इस तरह का कोई लेटर नहीं मिला जिसमें यह उल्लेख हो कि इस वर्ष के बाद बहाल संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं करनी है। वही संविदा कर्मियों के मामले को लेकर आज कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से कई बार बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। हाँ, अभी कुलपति महोदय हम लोग को बुलाए थे, 5 लोगों को, 5 लोग हम लोग मिलने के लिए गए थे अपनी बात को रखने के लिए। उनका कहना है 2013 का रिन्यूअल हम कर रहे हैं, 14 के बाद कर दिए हैं और 14 के बाद वाले का हम पत्र भेज रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि 13 तक को आप किस पद के आधार पर कर रहे हैं सर, वो पत्र दीजिए। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को टर्मिनेट कर देंगे, नेतागिरी मत करो। वो बुला के हम लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं अंदर में, तो हम लोग उनसे क्या बात करेंगे आगे का? आगे हम लोगों का काम बंद रहेगा। और सर, कुलपति महोदय के पास 2013 का भी कोई पत्र नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है कि 13 के पहले की नौकरी सही है, 14 के बाद की गलत है। लगता है हम लोग धरना पे बैठे हैं और हम लोग काम काज बंद कर दिए हैं। आप मानिए कुलपति महोदय जो अपना डिसीजन लें। TNB कॉलेज के 13 कर्मी को जो कि 2013 के बाद के बहाल हैं उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, जबकि हम लोगों ने कई बार जो है स्थापना शाखा और विश्वविद्यालय में देखा कि इस प्रकार का कोई पत्र है ही नहीं सरकार का कि संविदा रिन्यूअल को रोका जाए। सरकार का बजाबता ये पत्र है कि बिहार सरकार में कि संविदा कर्मी को 60 साल तक के लिए कर दिया गया है कि उनको बार बार एक्सटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों को तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है विगत कई वर्षों से। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम लोगों का बजट पास है, सरकार से बजट पास है जो कि सिंडिकेट के द्वारा, सीनेट के द्वारा, और ये बजट पास करके हमारा चांसलर से अप्रूव है, क्योंकि जिस दिन सीनेट की बैठक होती है उस दिन वाइस चांसलर चांसलर के रोल में होते हैं, तो हमारा गवर्नर के द्वारा भी पास है। आप देखिए एक नोट, देखिए एक आपको हम नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, इसमें देखिए कार्यालय आदेश संख्या 398 है 2017, राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना द्वारा नियुक्त हेतु निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलपति महोदय ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष अंकित शाखा विभाग में अंकित पदों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है, संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु अपनी कृपापूर्ण स्वीकृति प्रदान की है। तो जब राज्यपाल सचिवालय के अनुपालन में 2017 में नियुक्ति की जा रही है तो आप समझिए जब राज्यपाल का आदेश आता है तो उसके बाद सारी जो भी आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि गवर्नर जो है सुप्रीम बॉडी है और हमारा सिंडिकेट और सीनेट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और हमारा जो सब सारे कर्मी का जो है सिंडिकेट से, सीनेट से और गवर्नर से, मतलब जो सीनेट में चांसलर का रिप्रेजेंट किए कुलपति महोदय, हम लोग का सरकार के पास वेतन पास होके चला गया है। उसके बावजूद हम लोगों को अभी अभी ऐसा पता चला है कि आधे कर्मचारी का कर दिया गया है, आधे कर्मचारी का नहीं किया गया है। ये अत्यंत ही दुखद बात है और हम लोग सारे कर्मचारी कुलपति महोदय से अपना पीड़ा लेकर आए हैं कि हम लोगों के रोजी रोटी पे आप क्यों लात मार रहे हैं, हम लोग का बीवी बच्चा परिवार रोड पे आ जाएगा, इस तरह का आप क्यों कर रहे हैं।
दिन से सेवा कर रहे हैं, आज से नहीं हर कर्मचारी जान रहा भैया, और अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग वीसी साहब से जानते चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करिए। जन सहभागिता रैली के तहत पुलिस अधिकारियों को आम जनों से जुड़ने और उनकी मूलभूत समस्याओं से निपटारे को लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देशित किया गया है। वही आज भागलपुर के बहादुरपुर स्थित मध्य विद्यालय में पुलिस प्रशासन के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर पुलिस कप्तान आनंद कुमार और DSP सदर अजय चौधरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत रिबन काट कर की गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने अलग अलग तरह के खेल की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को लेकर जिले के सीनियर SP आनंद कुमार ने बताया कि आमतौर पर बच्चे पुलिस को देखकर भयभीत हो जाते हैं, ऐसे में बच्चों के बीच किसी भी तरह का भय ना हो इसलिए इस तरह का खेल आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले स्कूली छात्रों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही SSP आनंद कुमार ने बताया कि जन सहभागिता रैली से पुलिस और आम पब्लिक के बीच एक अनूठी जोड़ देखने को मिल रही है। लोग धीरे धीरे पुलिस से जुड़ रहे हैं और संभावित समस्याओं से उन्हें अवगत भी करा रहे हैं। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड स्थित क्रिकेट एवं एथलेटिक्स कार्यालय में गुरुवार की रात नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, SDO धनंजय कुमार समेत स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने ताला जड़ दिया है। जानकारी मिलने पर एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ खिलाड़ी मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलते ही तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और एसोसिएशन के अधिकारियों एवं सदस्यों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। खेल एसोसिएशन के अधिकारियों ने नगर आयुक्त SDO से बात करने की कोशिश की तो वे लोग मौके से चले गए। इससे पहले नगर आयुक्त ने सैंडस कंपाउंड में चल रही योजनाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त पर कार्यालय का ताला तोड़कर अपना ताला लगाने का आरोप लगाया। बताया गया कि इस क्रम में नगर आयुक्त अपने दलबल के साथ बिना महिला पुलिस के ही वहां रह रहे महिला के कक्ष में घुसकर घंटों जांच किया। मामले को लेकर महिला ने बताया कि करीब 10 से 12 पुलिसकर्मी नगर आयुक्त के साथ आए और घंटों उनके कमरे की जांच की। लोगों को सूचना मिली कि सैंडिस कंपाउंड जिला समादेष्टा कार्यालय अंतर्गत हमारे केयर टेकर मुरारी कुमार और उनके पत्नी के साथ नगर आयुक्त ने दुर्व्यवहार किया और बिना वारंट, बिना किसी नोटिस के उनको जांच किया, जबकि उनको एसोसिएशन के द्वारा 15 साल से रखा गया है। पुलिस देख के घरेलू महिला घबरा गई और इन्होंने कहा कि जो पूरे बच्चे का बैग देख रहे, आतंकवादी है क्या मुरारी कुमार, वो एक सम्मानित स्कूल में नौकरी करता है और वो स्पोर्ट्स का जॉइंट सेक्रेटरी है, वैसे लोग दूसरी ओर जाके यहाँ हमारे क्रिकेट का जो ऑफिस है उसमें भी ताला तोड़ के अपना ताला लगाए हैं। जब मामला कोर्ट में सब जुडिस है तो क्या ये अधिकार है नगर आयुक्त को कि उस पर वो ताला लगाएं? और जब हम लोगों ने उनसे मिलने की चेष्टा की कि हम लोग सम्मानित लोग हैं और खेल कूद वाले शांति प्रिय लोग हैं कि हम लोग बात कर लिए, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे ऑफिस में आइएगा और चोर की तरह भाग गए। आप ताला तोड़ करके आप ताला अपना लगा करके चले गए, हम लोग भेंट करना चाह रहे, उसमें एक बार बात करना नहीं चाहे, बाहर में दूसरे से खबर करवाते हैं कि कल ऑफिस आइए, कल बात करेंगे, अपने से बात करें, हम लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग के चले गए। ये तो बिल्कुल लगता है कि ये शहर के हम लोग लगता है कि भगोड़ा आदमी है, हम लोग बात करना चाहते हैं, हम लोग अपने परिचय अनुशासन का देना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई के अलावा भी हम लोग पूरी जनता के साथ करेंगे। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर ताती बाजार रोड में बकरी चोरी कर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चोर बकरी को ऑटो में लाद कर ले जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई और लोगों ने हल्ला हंगामा शुरू कर दिया। वो स्थानीय लोगों ने जब चोर से बकरी ले जाने के बारे में पूछताछ की तो चोर घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। इधर घटना की सूचना पाकर नाथनगर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के मीर साहब टोला निवासी मोहम्मद माहिल मंसूरी के रूप में हुई है। मामले को लेकर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने बताया कि आरोपी को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है, लिखित आवेदन मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मैं उन्हें आगू में छिलियो बिसरी थोड़ी न और बकरिया यहाँ लाठी के लेके जेबो करे छो कोई देखी लगे तो बकरिया लेके लाठी भागी जाए भागल समुद्र लिए पीछे बुझू चलते बकरिया फेंकी दिल के गाड़ी पर से का गो बकरी पकड़ ले ये गो तो घरे पास से हाँ जय मंदिर में से
वैसे लेके भाग लो जाइले तो रास्ता में रपेट लिया दौड़ी के फेंकी दिल के बकरिया गाड़ी पर से कौन चीज लग भाग टेम्पू से। गुरुवार को बांका एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने रजौन सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय एवं थाना का निरीक्षण किया। इसके पूर्व थाना परिसर में पुलिस बल द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद एसपी ने थाना अध्यक्ष एसआई एवं एएसआई से एक एक कर केस निष्पादन से संबंधित पूछताछ की, साथ ही कई दिशा निर्देश दिए। एसपी ने काम के प्रति लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने एवं अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की भी बात कही। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव, रजौन थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, नवादा थाना अध्यक्ष दीपक पासवान, धनकुंड थाना अध्यक्ष मंटू कुमार समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। और थाने का ओवरऑल जो भी जो होता है इससे थाना चलता है, उन सबका निरीक्षण किया गया, बहुत सारी चीजों को अपडेट पाया गया, लेकिन कुछ में त्रुटियां भी पाई गई है, जिसको इनको 10 दिनों का समय दिया गया है, उसको अपडेट कर लेंगे। उपस्थित जितने भी पदाधिकारी जन है उनसे पूछताछ की गई, जितना उनके पास कांड लंबित है उसको शीघ्र निष्पादन साथ ही साथ सुदृढ़ गश्ती करने का भी निर्देश दिया गया। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है जो वो बालू है, बालू के कारण काफी यहाँ पर थाना से उम्मीद रहती है कि सही से कार्य करे और अवैध बालू ना चले, तो इस लेकर के अवैध बालुओं पर लगातार अंकुश लगाने हेतु और छापेमारी करेंगे, और साथ ही साथ जो अभी आने वाला पर्व त्योहार है होली उसको लेकर के पूरा पेट्रोलिंग करेंगे। और दारू का खास करके हम लोगों ने अलग से आज 10 बल भी दिया है, स्पेशली एंटी लीकर टास्क फोर्स यहाँ पर एक हम लोग बनाने जा रहे हैं रजौन और सीआई रजौन के नेतृत्व में, जो भी इनके थाना क्षेत्र है उसके लिए अलग से हम लोग टीम भेज रहे हैं, जिसमें वो अवैध जहां भी दारू की सूचना मिलेगी या किसी कहीं पर है जो उनके पास सूचना है उसको रेड करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज रंगरा थाना का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी ने थाने में विधि व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही एचएसओ को कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। एसपी ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर बनाए रखने एवं थाना क्षेत्र में गश्ती तेज करने की भी बात कही। इस अवसर पर रंगरा थाना अध्यक्ष बिट्टू कमल सहित कई थाने के पदाधिकारी और सिपाही मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे कई अधिकारियों के साथ पहुंचे। बता दें कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए चयन हुआ है, जिसको लेकर डीआरएम विकास चौबे निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बांका सांसद प्रतिनिधि पवन केसान समेत कई प्रतिनिधियों ने अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। साथ ही रेलवे के अधिकारियों ने डीआरएम को सुल्तानगंज स्टेशन की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रतिनिधियों ने स्टेशन पर कई तरह की सुविधाओं का अभाव बताते हुए उन्हें मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि सुल्तानगंज स्टेशन का कायाकल्प बहुत जल्द होगा, इसके लिए सरकार एवं रेलवे विभाग के द्वारा सुल्तानगंज स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन बनाने की बात कही गई है। वही डीआरएम ने देर रात होने के चलते दूसरे दिन भी सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण करने की बात कही। मौके पर सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार सिंह समेत आरपीएफ एवं जीआरपीएफ के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा ही समय अभी यहाँ पे दिया है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम पूरा दिन के समय में, अभी तो ये रात हो गई है आप देख रहे हैं, इस टाइम पे घूम करके चीज़ों को एक जिस इंटेंसिटी से हमको स्टडी करना है वो अभी संभव नहीं है। तो अभी तो मैंने सभी स्टेक होल्डर से जो आपके सामने बातचीत करी है और उसमें छोटे छोटे सुझाव मेरे सामने आए हैं, चाहे वो उस साइड से कनेक्टिविटी वाली बात हो, चाहे यहाँ की हिस्टोरिकल जो बुद्ध की प्रतिमा की बात करी गई उसको कैसे उजागर किया जाए, कैसे उसको उभारा जाए, इस तरह के सुझाव अभी आए हैं। बाकी आई एम श्योर कि यहाँ पे शेड की लंबाई कितनी है उससे रिलेटेड कुछ होगा, यहाँ पे वेटिंग हॉल कितना लंबा है उससे रिलेटेड कुछ सुझाव होंगे, पानी है नहीं, टॉयलेट में कोई कमी है, सफाई कैसी है, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। और न केवल हम, हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो भी आकर के इसको गहन अध्ययन करेंगे और सुझाव देंगे। थैंक यू।
भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कचरैली के प्राथमिक कन्या विद्यालय कमलपुर में मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने के बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने खाने को फेंक दिया। साथ ही परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बच्चों के मुताबिक वे लोग कई दिनों से प्रधानाध्यापक से इस बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पिल्लू को लंबा चावल दाना बता दिया। बच्चों ने बताया कि पिछले चार दिनों से खाने में कीड़ा निकल रहा है। जब इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से किया गया तो उन्होंने इस पर कोई भी नहीं लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधान अध्यापक को घंटों विद्यालय में ही बंद कर दिया। इधर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि वे आगे से इस पर ध्यान रखेंगे। क्या निकलता है, खाने में क्या निकलता है? सरलो सब आलू निकलता है। सारा आलू निकलता है? हाँ, पिल्लू से। तो खाना डेली एक ही चीज बनता है? नहीं, जाता है। क्या चीज खाता है? खिचड़ी, दाल भात, सब्जी सब। मैं शिकायत करते हैं तो दूसरे दिन खाना बढ़िया आता है। अच्छा। और फिर एक दो दिन में वही हो जाता है। ये जो खाना जो बन के वहाँ से आता है, कितने केंद्र पे आता है खाना बन के? तो कजरेली में 20 केंद्र है। कजरेली में 20 स्कूल और भी केंद्र कहीं पे जाते होंगे। हाँ हाँ। तो ये जो शिकायतें जो आ रहे बच्चे के माध्यम से, तो क्या शिकायतें, कितना दिन से? कितना दिन का न है, कभी कभी निकलता है। तो आज वो कुछ ज्यादा निकल गया है, तो आप भी देख लिए यार। भागलपुर सुल्तानगंज के रेफल अस्पताल में मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर सैयद अली टीम के द्वारा रेफल अस्पताल में दर्जनों लोगों का कैंसर स्क्रीनिंग किया गया। वहीं डॉक्टर सैयद अली ने बताया कि होमी भाभा अस्पताल के द्वारा सुल्तानगंज रेफल अस्पताल, मायगंज अस्पताल, सदर हॉस्पिटल भागलपुर में कैंसर स्क्रीनिंग जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें संबंधित लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग कर उचित सलाह दी जा रही है। पिरपैती बाराहाट स्थित डीएलएस शिक्षा महाविद्यालय बदलूगंज में छात्रों का विदाई एवं स्वागत समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योगीवीर पहाड़ के आचार्य माई जी महाराज, निदेशक संजय साह, प्राचार्य पंकज कुमार सिन्हा, प्रमुख रश्मि कुमारी समेत आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। इसके अलावा बीएड के छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वही छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। मौके पर नोडल पदाधिकारी रवि कुमार, पूर्व शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण मिश्र, आकाश कुमार, डॉक्टर देवेंद्र नाथ, प्रोफेसर ललन कुमार, विकास पांडे, नवीन जोशी, मोहम्मद गुलाम रसूल, कुलदीप समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमबीयू में कुलपति आवास के सामने संविदा कर्मियों ने दिया धरना, सेनेटर बोले नहीं चलने देंगे कुलपति की मनमानी। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत स्कूल में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने बच्चों को किया पुरस्कृत। एथलेटिक्स कार्यालय में नगर आयुक्त ने जड़ा ताला, खिलाड़ियों और समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। शहर में बढ़ती जा रही पशु चोरी की घटना, बकरी चुरा कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई। और बाकायस्पी ने थाने का किया निरीक्षण, अनुसंधान और कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के दिए निर्देश। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।